हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, कि कांग्रेस को कैसे सामाजिक, सोशल में सामाजिक और आइडियोलॉजिकली यानी विचारों का गठबंधन कैसे माना जाता है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या आप में आप बता सकते हैं कि सीपीआई ने फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कितनी सीटें प्राप्त की थी? हाउ मेनी सीट्स वन बाय द सीपीआई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई? और वन मोर क्वेश्चन, वी कैन से नेम द स्टेट्स वेयर कांग्रेस लॉस्ट इट्स सीट इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते तो पहले पिछला लेक्चर सुनिए, वहां से क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आपको पिछले पार्ट्स लर्न नहीं होंगे, पिछले पार्ट्स के लेक्चर का जो पहले हिस्से पार्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, राइट? सो अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस, लर्न दोज क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली। अब हम बात करते हैं कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, या हमने वर्ड यूज किया है कोएलिशन। ये आपका अपने आप में एक 6 मार्क्स क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है कांग्रेस एज सोशल कोएलिशन, देन इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स ओनली, राइट? और अगर क्वेश्चन आता है कांग्रेस एज आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, देन अगेन 4 मार्क्स। बट If it comes complete, collectively अगर ये आएगा तो then it will be of 6 marks, Congress as social and ideological coalition, right? तो अब हम पहले इसको शुरू करने से पहले हमें इन words के meaning मालूम होने चाहिए। यहाँ एक word use हुआ है coalition। What is the meaning of coalition? Coalition होता क्या है? आपने दो words सुने होंगे, एक coalition government, एक होती है अलायंस गवर्नमेंट। कोएलिशन का मतलब जनरल अगर हम बात करें तो गठबंधन। गठबंधन मीन्स कि जब इलेक्शन में रिजल्ट आने के बाद कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती तो दो या दो से अधिक पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं कोएलिशन या गठबंधन। लेकिन ये गठबंधन भी दो तरह का होता है। एक गठबंधन है जो इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद होता है, दूसरा गठबंधन है जो इलेक्शन से पहले होता है, राइट? तो दो वर्ड्स हैं, एक आपका शब्द है अलायंस, अलायंस, राइट? और दूसरा है कोएलिशन। दोनों का ही अर्थ गठबंधन है, लेकिन कोएलिशन क्या है? कोएलिशन होता है इलेक्शंस के बाद। जैसे आप अभी का देख सकते हैं हरियाणा में जो गवर्नमेंट बनी है, पहले इलेक्शन में अकेली बीजेपी की गवर्नमेंट थी, फुल मेजॉरिटी में थी, लेकिन अब बीजेपी की गवर्नमेंट अकेली नहीं है, दो पार्टीज ने मिलकर ये गवर्नमेंट बनाई है। हरियाणा में अब जो गवर्नमेंट है दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट, राइट? अब क्योंकि ये कोएलिशन कब हुआ? आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आने के बाद, ठीक है? लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पहले, अभी इस समय बीजेपी और शिवसेना इकट्ठी नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या होता था? बीजेपी और शिवसेना मिलकर गवर्नमेंट बनाती थी और उनका जो गठबंधन होता था वो इलेक्शन से पहले होता था, राइट? इसी तरीके से पिछले इलेक्शंस में आपने देखा था महागठबंधन बना था, कांग्रेस, मायावती एंड सो मेनी अदर मेन लीडर्स, उन सब ने मिलकर बीजेपी के अगेंस्ट एक गठबंधन किया था, तो वो क्या था? दैट वाज अलायंस, राइट? तो ऐसी अगर गवर्नमेंट बनती है तो उसको हम कौन सी गवर्नमेंट बोलते हैं? अलायंस गवर्नमेंट, क्लियर? जैसे पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे मिलकर लड़ते हैं, तो वो क्या है? उनमें अलायंस है। वो अगर फिर सरकार बनाते हैं जीतने के बाद तो वो सरकार, वो गवर्नमेंट कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं होगी, वो गवर्नमेंट कौन सी होगी? अलायंस गवर्नमेंट। इज इट क्लियर, राइट? तो
अलायंस और कोएलिशन जनरली दोनों ही क्या हैं, जिनमें दो या दो से अधिक गवर्नमेंट अधिक पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, लेकिन कोएलिशन जो है ये गठबंधन, ये जो कोएलिशन है ये होता है रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद, और अलायंस जो होती है ये गठबंधन जो है ये इलेक्शन से पहले जब पार्टीज आपस में गठबंधन करती हैं। इज इट क्लियर? तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, ये आपकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएलिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलायंस। क्लियर? वन मार्क में। अब हम बात करेंगे आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, आइडियोलॉजी आइडियाज का, यानी विचारों का। तो कांग्रेस को हम विचारों का गठबंधन कैसे कहते हैं, कांग्रेस को हम एक सामाजिक गठबंधन क्यों मानते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल कोएलिशन की। अब समाज है तो समाज किससे रिलेटेड है, अलग अलग समाज में कास्ट हैं, कलर के लोग हैं, अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, पीजेंट्स हैं, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, रिच पीपल हैं, पुअर पीपल, बहुत सारे तरह के लोग हैं, यानी कि सोसाइटी में कई तरह से सोसाइटी डिवाइडेड है, राइट? तो जब ये सारे ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे किसी एक मकसद के लिए तो उसको हम कौन सी कोएलिशन बोलेंगे, सोशल कोएलिशन, क्योंकि सोशली जो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं, उनका एक ही इंटरेस्ट है, अलग अलग इंटरेस्ट होते हुए भी उनका मकसद एक है। इज इट क्लियर? तो इसको सोशल कोएलिशन क्यों बोला जाता है, कांग्रेस टुक रूट एंड केम इनटू पॉलिटिकल पावर नॉट एज अ पार्टी बट एज अ मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस एंड रिफॉर्म्स। हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि कांग्रेस जो स्टार्टिंग में आई थी वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में आई थी, एक मूवमेंट के रूप में आई थी, राइट? पहले ये पार्टी नहीं थी, बाद में ये पार्टी बनी थी, और ये पार्टी कब बनी थी, इन 1885, एज यस्टरडे वी एज इन योर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड, राइट? तो शुरू में ये एक पॉलिटिकल पावर, ये पॉलिटिकल पावर में नहीं थी, एक मूवमेंट थी, किसके लिए, आजादी लेने के लिए और रिफॉर्म्स यानी समाज सुधार के लिए, राइट? तो उसके बाद इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1985 बाय किन लोगों के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया, ये एमर्जेंस में ये किस तरीके से कांग्रेस एक पार्टी के रूप में उभरी, बाय न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, किन लोगों के द्वारा, न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड कमर्शियल क्लासेस, जो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे और जो कमर्शियल यानी जो बिजनेसमैन थे, एटसेट्रा एटसेट्रा का क्लासेस फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग पर्संस, ये वो लोग थे जिनको इंग्लिश की नॉलेज थी, राइट? जिनकी इंग्लिश पर कमांड थी। तो इन लोगों ने कौन सी पार्टी बनाई थी, इस कांग्रेस की जो मूवमेंट था इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया था, एज अ कांग्रेस पार्टी, जो इसके शुरू के लीडर्स थे मेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल अदर्स, तो वो सारे एजुकेटेड पीपल थे, महात्मा गांधी एजुकेटेड पीपल थे, राइट? उनको लैंग्वेज की नॉलेज थी। हाउएवर विद बोथ नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट इट्स सोशल बेस वाइडेंड, सोशल बेस वाइडेंड का मतलब इसका सामाजिक आधार बढ़ गया, यानी शुरू में जब ये मूवमेंट एस्टैब्लिश, जब ये पार्टी एस्टैब्लिश हुई उस समय इसमें प्रोफेशनल्स थे, एजुकेटेड पीपल थे, कमर्शियल से बिजनेसमैन थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई, जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट चलाई, तो उस समय इसमें केवल पढ़े लिखे और प्रोफेशनल लोग ही नहीं थे, केवल वही लोग इसका हिस्सा नहीं बने जिनको इंग्लिश की नॉलेज थी, इसमें हर तबका, हर वर्ग जो था, हर क्लास, हर कैटेगरी इसका एक हिस्सा बन गई, चाहे वो लोग शहरों के रहने वाले थे और दे वर लिविंग इन विलेजेस इन बैकवर्ड एरिया, कहीं पर भी वो रहने वाले थे, वो सारे किसका हिस्सा बन गए, नॉन इस कांग्रेस पार्टी का, और इससे कांग्रेस पार्टी का जो बेस था वो बढ़ गया, यानी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल हो गए, अब वो छोटी पार्टी न रहकर एक वाइडेंट पार्टी के रूप में उभर गई। देन पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स,
पुअर, अपर कास्ट एटसेट्रा, यानी इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो गए, पीजेंट्स आ गए, लैंडलॉर्ड्स आ गए, वर्कर्स आ गए, पुअर पीपल आ गए, अपर कास्ट आ गए, वर्किंग क्लास आ गया, एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दिस पार्टी। तो क्योंकि अब इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में हर तरह का समाज का हर वर्ग, समाज का हर व्यक्ति, समाज के हर कैटेगरी इंक्लूडेड थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज सोशल कोएलिशन। इसको किस नाम से जानते हैं हम कि कांग्रेस क्या है, एक क्या थी, एक सोशल कोएलिशन, जिसमें समाज के हर व्यक्ति को इंक्लूड किया गया है। क्लियर? तो सेकंड हमारा जाता है, ये तो बात होगी कि व्हाई इट इज नोन एज सोशल कोएलिशन। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, देन यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स, ये आपका एक कंप्लीट आंसर है अप टू दिस, राइट। अब बात आ जाती है हाउ इट इज एन आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। अब हर व्यक्ति, अब इसको आइडियोलॉजिकल कोएलिशन क्यों कहा जाता है, आइडियाज का कोएलिशन, राइट। अब नेचुरली है, अगर कोई एक ग्रुप होगा जिसमें काफी सारे लोग होंगे, हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होगा, उसके आइडियाज अलग होंगे। तो जब कांग्रेस में इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, इसका मतलब इतने सारे आइडियाज भी थे, राइट। तो ऐसे में कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, इट एकोमोडेटेड द रेवोल्यूशनरी एंड कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, जो जिनको बोलते हैं कि रूढ़िवादी थे, जो उन वो लोग भी इसमें शामिल थे, जो अपने आप को बदलने को, जिनके विचार जो थे कहीं ना कहीं रुके हुए थे, राइट। वो अपने उन्हीं चीज़ों पर थे, लेकिन वो भी इसका हिस्सा थे। इसके अलावा रेवोल्यूशनरी भी थे, जो समाज को बदलना चाहते थे। तो हर व्यक्ति इसमें था, सबके अपने अपने आइडियाज थे, सबकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी, सोचने का अलग अलग तरीका था, अलग अलग विचार थे, राइट। और वो इसका पार्ट थे। इट वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म था, जिससे कि वो, ये एक ऐसा उनके लिए मंच था जहां से वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकते थे, लोगों तक पहुंचा सकते थे, राइट। तो इंटरेस्ट्स एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, थी दो चार और भी पार्टीज थी, बट मेन जो डोमिनेंस था वो किसका था, कांग्रेस पार्टी का, एज वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग CPI, ठीक है। तो इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी ने, अलग अलग ग्रुप्स ने, इंटरेस्ट के, हर इंटरेस्ट के लोगों, जैसे पीजेंट्स थे उनका अपना इंटरेस्ट था, राइट। ऐसे ही फार्मर्स थे, वो उनका अपना इंटरेस्ट था इसमें पार्टी, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट करने का। तो इवन पॉलिटिकल पार्टीज टेक पार्ट इन, टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट, ये सब लोग नेशनल मूवमेंट में हिस्सा ले सकते थे, राइट। अब क्योंकि इसमें सोशल ग्रुप्स थे, अब हर सोशल ग्रुप का अलग अलग आइडिया था, उनके अलग अलग विचार थे, उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी, वो सब एक ही पार्टी में समाये हुए थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, राइट। अगर आपका ये सोशल कोएलिशन पे इंडिविजुअली 4 मार्क्स क्वेश्चन है, देन यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स, एंड इफ दिस वन इज अनदर 4 मार्क्स क्वेश्चन, so you have to write these points, right? But if it come collectively 6 marks question, then you have to write the complete answer. Clear? अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे at present अगर देखा जाए तो जितनी भी parties हैं, BJP है या कोई और party है, as we in previous lecture we discussed, कि ये सारी parties Congress में से ही निकल कर आई हैं। अब वो क्यों आई हैं, क्योंकि इनके विचार अलग अलग थे। अब पहले कांग्रेस की जो नेचर थी वो सबको इंक्लूड करने की थी, जो भी इसमें लोग थे, अलग अलग विचारों के लोग थे, अलग अलग आइडियाज़ के लोग थे, लेकिन हर आइडिया को, हर विचार को एक रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनकी बात को सुना जाता था। धीरे धीरे क्या होने लगा कि कांग्रेस में कुछ लोगों की डोमिनेंस होने लगी, उनका ये मानना था कि केवल वो जो कहते हैं दैट इज़ राइट, दूसरे लोगों के आइडियोलॉजी को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो नतीजा क्या निकला कि धीरे धीरे जो दूसरी आइडियोलॉजी के लोग थे वो कांग्रेस से अलग होते चले गए। नतीजा क्या निकला, अलग अलग पार्टीज़ एमर्जेंस में आनी शुरू हो गई, एग्जिस्ट अलग अलग पार्टीज़ एमर्ज हुई,
राइट। अब पहले इन अलग पार्टीज के एमर्ज होने का रीजन क्या था, क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी एकोमोडेट करती थी हर इंटरेस्ट को, हर व्यक्ति के विचारों को सुनती थी, उसका क्या इंटरेस्ट है उसको उसमें जगह दी जाती थी, उसको भी एहसास करवाया जाता था कि ये पार्टी कुछ लोगों की नहीं है बल्कि ये पार्टी सबकी है, राइट। उनके हर एस्पायरेंट जो भी कुछ करना चाहता था, हर तरीके से लोग जो थे उसमें, हर व्यक्ति को ये लगता था कि वो उनके पास पावर है। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि उनको इतने उनकी आइडियोलॉजीज में क्लैशेज आने लगे, और वो क्लैशेज जो थे कांग्रेस पार्टी की डिवीज़न का कारण पड़े, राइट। जिससे कांग्रेस पार्टी में से और दूसरी पार्टीज निकलती चली गई, क्लियर। ये इसी वजह से आज जो कांग्रेस पार्टी है उसमें आइडियोलॉजिकल वो कोएलिशन नहीं है जो इंडिपेंडेंस के समय में था। Is it clear? So all this is about Congress as social and ideological coalition. यह हमने आज बात की है meaning of coalition, meaning of alliance, difference between coalition and alliance, as well as meaning of a social coalition, ideological coalition, and six marks question Congress as social and ideological coalition. Clear? All this is about this chapter, era of one party dominance. Now prepare your chapter, prepare your questions simultaneously when you are listening the lecture. Okay.